नमस्कार, मैं हूँ रेणु भाटिया, न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। बांदा से बड़ी खबर, सिर फिरे प्रेमी ने बड़े भाई की साली को कुल्हाड़ी से काटकर स्वयं ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। साली की शादी से मना करने पर नाराज था प्रेमी। प्रेमिका अपनी बहन के घर आई हुई थी, प्रेमिका को घर पर घसीट कर कुल्हाड़ी से किए कई वार। दोनों के बीच करीब 2 वर्षों से थे प्रेम संबंध। दोनों की हत्या से परिवार में मचा कोहराम। बांदा जनपद में अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपराधियों ने 1 महीने के अंदर की कई ताबड़तोड़ हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, लूट जैसी घटनाओं को दिया अंजाम। पूरा मामला अतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मजरा महदू अरक के पुरवा का है। घर में नहीं रहन को ना हमारे धान कटे। जी जी, तो कौन था घर में जिसके ऊपर आपकी शंका हो रही है, कौन था वो? वह था जो मारी से मर गया। क्या नाम है उसका? नन्हे नाम। क्या नाम है? नन्हे। कैसे घटना हुई है क्या आप? कुछ समझ में नहीं है भैया, घर आपको क्या लगता है? न कुछ जानकारी है। नहीं, आपको क्या लगता है जिसने मारा है? कोई रंजिश थी या कोई लड़ाई थी क्या आपस में? कुछ नहीं थी, कोनों के घर में लड़ाई बिड़ाई कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ये कितने दिन से लड़की यहाँ रह रही थी? ये लड़की तो 3-4 साल से यहीं रह रही है। 3-4 साल से यहीं रह रही है, ना वो चली गई रही है तभी। क्या उम्र है लड़की की? 18 साल की है। 18 साल की। अच्छा अच्छा, और क्या घटना हुई है? आप लोग को कैसे सूचना मिली जब घटना हुई है ये? हमारा लड़का ही काट के जी भागते हमारे लगे मौसी का का हुआ चल देखा। अच्छा, जय हमारे हाथ से भाग के जी मरी पड़ी गई। अच्छा अच्छा, और दूसरा नन्हे? वो नहीं था घर। अच्छा, तो कितने लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है घटना में? दो की। क्या क्या नाम है उनका दोनों का? बिटिया का मोनू नाम हुआ था, नन्हे नाम। तो क्या नन्हे भी की मृत्यु हो गई है क्या यहाँ? वो कहूँ गाड़ी में भाग कट गया। अच्छा अच्छा। अतर्रा में सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा अतर्रा का महदू अरक का पुरवा, इसका मजरा है, वहाँ के रहने वाला नन्हे अपनी 16 वर्षीय सालिक को कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या करके फरार हो गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उसकी नन्हे की तलाश करने लगी, और थोड़ी देर के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि ये रेलवे पटरी पर उसने अपनी जान दे दिया है और उसकी सर कटी हुई और छत बिछत उसकी डेड बॉडी एक राजा तालाब के पास में प्राप्त हुई है। उसके घर वाले और उसके परिजन उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिए हैं और दोनों की बॉडी को पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी लड़की के घर वाले नहीं आए हैं, वो जैसे आ जाएंगे उनसे तहरीर प्राप्त करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।